इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 20 साल बाद आतंकी मसूद अजहर के कोई स्पीच देने का दावा किया गया है। दरअसल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, जिसके बाद अब उसने पाकिस्तान की बहावलपुर की मस्जिद में एक बयान दिया है। अपने समर्थकों के बीच उसने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। उसने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मोदी जैसा कमजोर व्यक्ति हमें चुनौती देता है और नेतन्याहू जैसा चूहा हमारी कब्र पर नाचता है। साथ ही उसने सवाल किया कि क्या 300 लोग भी नहीं है जो बाबरी को वापस पाने के लिए लड़ सकें। मैं आपको बता दें कि 3 दिसंबर को जैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये भाषण रिलीज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 20 साल बाद आतंकी मसूद अजहर के कोई स्पीच देने का दावा किया गया है। दरअसल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का चीफ है मसूद अजहर, जिसके बाद अब उसने पाकिस्तान की बहावलपुर की मस्जिद में एक बयान दिया है। अपने समर्थकों के बीच उसने भारत और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया। उसने कहा कि मुझे शर्म आती है कि मोदी जैसा कमजोर व्यक्ति हमें चुनौती देता है और नेतन्याहू जैसा चूहा हमारी कब्र पर नाचता है। साथ ही उसने सवाल किया कि क्या 300 लोग भी नहीं है जो बाबरी को वापस पाने के लिए लड़ सकें। मैं आपको बता दें कि 3 दिसंबर को जैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये भाषण रिलीज किया गया है।